हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम स्कर्ट को बनाने का तरीका देखेंगे कि हमारी पैटर्न किस तरह से बनता है स्कर्ट के लिए। ये हमारा बेसिक स्कर्ट का ब्लॉक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये आपकी गाइडलाइंस है, आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस है, जिसके अंदर हमें सबसे पहले मेज़रमेंट रिक्वायर्स चाहिए होगा। तो मेज़रमेंट के लिए हमने लेंथ लिया है, यहाँ हमने इंचज़ के अंदर भी लिया और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है सेंटीमीटर्स के अंदर। सो लेंथ इज़ 20 inches और 50 centimeters, राउंड वेस्ट इज़ 34 inches और 85 centimeters, राउंड हिप इज़ 40 inches, 100 centimeter, हिप लेंथ इज़ 7 inches, जो कि हमारे बेसिकली स्टैंडर्ड ही रहती है, दैट इज़ 17.5 centimeter। यहाँ हम एक ही अपने ब्लॉक के ऊपर बैक एंड फ्रंट दोनों को बनाएंगे। यहाँ पर ये जो आपको विजिबल हो रहा है, ये 1/4 scale है आपके कंप्लीट जो आपका पैटर्न बनता है उसका 1/4 है हिस्सा। लेकिन साथ के साथ अभी जब हम आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे तो हम आपको हाफ स्केल के ऊपर कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, जिसके अंदर ये सारी हमारी कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं। हम आपको पहले प्रेफर ये करते हैं कि आप इन कंस्ट्रक्शन लाइंस को सबसे पहले नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक पे या किसी भी पीस ऑफ पेपर के ऊपर, और अपनी मेज़रमेंट्स भी ले सकते हैं और अपनी मेज़रमेंट्स के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमारे ड्राफ्टिंग के बाद हमने यहाँ पर पीस ऑफ पेपर लेना है, मैं यहाँ पर 2 A4 की शीट्स लूँगी और इनको आपस में ज्वाइन कर दूँगी, बिकॉज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1/4 जो है वो तो आपका बन जाएगा A4 शीट के अंदर, लेकिन जब आप इसको 1/2 scale पे बनाना होगा तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी 2 शीट्स। तो यहाँ पर हम अपनी दोनों शीट्स को पहले ज्वाइन कर लेते हैं। सो आफ्टर ज्वाइनिंग, ये मेरी अल्टीमेट वर्किंग शीट है। इस शीट के ऊपर ये जो हमारा पैटर्न है हम इसको बनाएंगे। तो साथ के साथ हम गाइडलाइंस लेते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है विजिबल हो रहा है हमें कि ए बी हमारा कितना है, 1/2 ऑफ राउंड हिप प्लस 1.5 सेंटीमीटर। सो हमारा राउंड हिप कितना है, 1/2 100 है। देखिए राउंड हिप हमारा कितना है, 40 inches है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ हमने 1/2 100 लिया, तो हमारा कितना आया, 50 + 1.5 becomes 51.5 सेंटीमीटर। तो 51.5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पर 1/2 scale पे बना रही हूँ। आप अगर फुल स्केल पे बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लिखिए, हाफ पे बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग लिखिए। ये जितनी भी आपको यहाँ मेजरमेंट्स दिख रही है ये फुल स्केल के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स हैं, गेट इट। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, अपना ए टू बी लेना है, जो हमारा कितना है, 51.5 सेंटीमीटर। सारे काम करने से पहले अपनी स्टेशनरी हमेशा ध्यान रखिए, उसको कंप्लीट आपकी स्टेशनरी यहाँ पर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग फ्री हैंड से इसको बना लेंगे, ओके। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हमारी कंस्ट्रक्शन लाइंस, यहाँ हमारा क्या दे रखा है, सबसे पहले ए बी दे रखा है, ए बी 51.5 सेंटीमीटर हमने लेना है। तो यहाँ पर हम ए बी ले लेंगे, मैं 1/2 scale पे बना रही हूँ तो मैं अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी मेज़रमेंट्स यहाँ पर ले लूँगी, और हम यहाँ पर सेंटीमीटर्स में काम करेंगे। मेज़रमेंट्स लेते हुए एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको बार बार लाइंस नहीं यहाँ पर अप्लाई करनी, वो हमारा क्लियर नहीं हमारा बन पाता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डॉट्स लगानी है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है टिल आपके मेज़रमेंट तक, देन एक स्मूथ लाइन के साथ उसको ज्वाइन कर देना है। सो ये हमारा क्या बना, ये हमारा आया ए एंड बी। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे अपने मार्क्स को, दैट इज दिस इज़ आर ए एंड दिस इज़ आर बी। आफ्टर ए बी हमें ए सी लेनी है, ए सी कितनी है, हमारी लेंथ है, उसमें से हमने माइनस करना है बेल्ट को। बेल्ट को क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बेल्ट नहीं लेनी, बेल्ट हमारी अलग से लगती है। इसलिए आपकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर लेंथ हमने 20 इंचेस ली थी, दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। तो बेल्ट में से लेंथ में से 50 सेंटीमीटर्स में से मैं 5 सेंटीमीटर माइनस कर रही हूँ। 2.5 हमारा 1 इंच होता है, तो मैंने 2 इंच की बेल्ट यहाँ पर माइनस कर दी है, तो मेरी लेंथ कितनी आएगी, 45 सेंटीमीटर्स। तो सेम एज़ मेरे को यहाँ पर क्या लेना है, ए सी लेना है, और मैं यहाँ पर अपना ए सी ले लेती हूँ।
सेम, मेरे को एकदम से नहीं अपनी लाइन को ड्रॉ करना है, बट मेरे को नॉट्स लगा लेने हैं, मेरे को पॉइंट्स लगाने हैं, एंड देन मेरे को एक स्मूथ लाइन के साथ उसको बना लेना है. सो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, ए सी ले लिया, ए बी एंड ए सी एज पर हमारा ड्राफ्ट. आप प्लीज़ इसको कंस्ट्रक्शन लाइंस को पहले लिखिए और साथ के साथ इस ड्राफ्ट को भी आप डेवलप कीजिए, उसके बाद ही ये काम करना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ईजी रहेगा. देन हमने क्या लेना है यहाँ पर, आपको इसका एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है, मीन्स जो मेज़रमेंट्स हमने इस तरफ ली है ए टू सी ली है, वो हमें यहाँ पर बी टू डी भी लेनी पड़ेगी. सो हमने यहाँ पर बी से लेके डी तक भी मार्क इट एज डी, और यहाँ पर हम इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे. ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ हमारा सेम बॉक्स बन गया. देखिए कौन सा बॉक्स, जो हमारा यहाँ पर था. ठीक है, अब हमने ए बी सी डी यहाँ पर डेवलप कर लिया. अब हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है, दैट इज ए ई. ए ई कितना है, 1/2 राउंड हिप प्लस 1.5 सेंटीमीटर. तो 1/4 हमने करना है राउंड हिप का. राउंड हिप हमारी कितनी है, 100 सेंटीमीटर. 100 के अंदर 100 सेंटीमीटर, 1/4 100 प्लस 1.5, तो क्या आएगा, 25 प्लस 1.5 बिकम 26.5. तो हमारा जो ए ई रहेगा, क्लियर, ए ई रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, 26.5. तो यहाँ पर हम मेज़र कर लेंगे अपने स्केल से जितना हमें यहाँ पर चाहिए होगा. तो आप ए से मेज़र करेंगे. ये बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ 1/2 स्केल पे. सो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है अपना पॉइंट, दैट इज माई ई. क्लियर, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी हमारी, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी. तो मैंने यहाँ पर भी मार्क कर लिया है, और उसके बाद मैं इसको विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ज्वाइन कर दूंगी. गेट इट. उसके बाद अगली मेज़रमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी मेज़रमेंट है दैट इज़ ए ई के बाद ए जी, दैट इज़ हिप लेंथ. हिप लेंथ कितनी है, 7 इंचेस, दैट इज़ 17.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम हिप लेंथ को भी ले लेंगे. ए से हमें, आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन लाइंस और उस डायग्राम को पहले बना लेंगे, तो आपको सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं. सो ये हमारा ए जी होगा, और ए जी को भी आप क्या करेंगे, ए जी को भी हमें सेम मार्क कर लेना है. और इसको यहाँ पर नाम दे देना है एन. देन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर हमें इस लाइन को ड्रॉ कर देना है. आप देख रहे होंगे कोई भी लाइन मैंने ओवरलैप नहीं की है, बिल्कुल स्मूथ आपको फिनिशिंग के साथ यहाँ पर बनाया जा रहा है. तो आप भी इसी तरह से इसको करिएगा. देन आफ्टर दैट अब हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, हमने ए जी भी बना लिया है. देन आता है हमारा ए टू एच. ए टू एच कौन सा है, ये देखिए हमारा ए टू एच है, जितना हमने अपनी बैक की मेजरमेंट लेनी है. ए टू एच हमारा कितना है, 1/4 राउंड वेस्ट प्लस 4 सेंटीमीटर. सो 1/4 राउंड वेस्ट हमारी कितनी है, 34 इंचेस, दैट इज 85 सेंटीमीटर. सो 1/4 ऑफ 85 प्लस 4 हमारा लिया है हमने ईज के लिए, 25.25 हमारा क्या बनेगी अल्टीमेटली, इट विल बिकम आर 25.25, दैट इज आर ए एच. तो यहाँ पर मैं हाफ पे ले रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी मेजरमेंट्स यहाँ पर लगा लूँगी. सो यहाँ मैंने अपनी एच की मेजरमेंट लगा ली है, ये मेरा एच बन जाएगा. क्लियर.
सो एच के बाद हमने एच से आई लेना है, एच से आई ऊपर की तरफ लेना है, दैट इज 1.25 सेंटीमीटर। एच से हमने आई लेना है, दैट इज आर 1.2 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा हमारी ए बी लाइन के ऊपर, क्लियर। एंड देन हमें स्मूथली इसको ज्वाइन कर देना है ए के साथ, हमें इसको ए के साथ आई को ज्वाइन कर देना है। गेट इट। आफ्टर ज्वाइनिंग हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वो हमारा रहेगा, ए एच हो गया, एच आई हो गया, अब हमने बैक साइड बना ली है, अब हमें फ्रंट साइड बनानी है, दैट इज आर बी एंड पी। बी एंड पी है हमारा, ये हमारा पी है और ये हमारा बी है। तो बी एंड पी क्या है, 1/4 ऑफ राउंड वेस प्लस 2.5 सेंटीमीटर, 1/4, 85 प्लस 2.5, दैट इज 23.75। तो यहाँ पर हम अपना बी ई बनाएंगे, अपने बी से पी को मेजर करेंगे, इसका हम नाम दे देंगे यहाँ पर पी। सेम जैसे हमने यहाँ पर एच से लेके आई पे हम गए थे, यहाँ पर देखिए आप एच से लेके आई पे गए थे, ऐसे ही आपको बी पे क्यू पर जाना है। पी क्यू भी आपका 1.25 है, जैसा हमारा एच आई था, जितनी हमारी एच आई की मेजरमेंट्स थी उतनी ही हमें अपनी पी क्यू की मेजरमेंट लेनी है, उसको क्यू देना है और उसको देन अगेन हमें क्या करना है, स्मूथ लाइन के साथ, कर्व्ड लाइन होती है वैसे ये, उसके साथ इसको हमें ज्वाइन कर देना है। गेट इट। आफ्टर दैट अब हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट वर्क डन है, हमें अब क्या अपनी इंट्रोड्यूस करनी है, डार्ट्स इंट्रोड्यूस करनी है। तो हमारे हमें कौन सी, तीन डार्ट्स यहाँ पर आपको है, बैक में टू दे रखी है और फ्रंट में हमने यहाँ पर वन डार्ट दे रखी है। तो हम यहाँ पर अपनी डार्ट्स को बनाएंगे सबसे पहले, दैट इज आर क्यू आर। अब हमने क्यू आर को, क्यू आर हमारा कौन सा है, यस क्यू टू आर हमारा 1/3 ऑफ बी क्यू रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमें अपना जो क्यू से लेके आर तक हमारी जो डार्ट लगेगी वो हमने अपनी जो ये फुल है हमारा क्यू से बी तक का है उसको हमने डिवाइडेड बाय 3 कर लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मेज़र कर लेंगे कि हमारा बी टू क्यू कितना है। B टू Q को हमने मेज़र करना है और उसके बाद तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मेज़रमेंट्स आई उसको डिवाइड करके इक्वली 3 हिस्सों में उसको हमने नेम दे देना है R, उसको हमने R नेम दे देना है। और R से लेके इन डार्ट्स का हमारा क्या है, R, S एंड S डैश। तो यहाँ पर R से S या R से S डैश कितना है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हम अपनी अदर साइड्स दोनों साइड पे सेम मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद इसको नेम दे देंगे एस एंड एस डैश। उसके बाद हमारा R से लेके R डैश मतलब हमारे जो ये डार्ट लेंथ है, जो डेप्थ जाएगी वो 10 टू 12 सेंटीमीटर्स है। कितनी है, 10 टू 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी R डैश हो जाएगी। और उसके बाद हमें ज्वाइन कर देना है S एंड S डैश से, ये देखिए ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया है एस एंड एस डैश से। देन नेक्स्ट हमने अपनी बाकी दो डार्ट्स बनानी है। दोनों डार्ट्स हमारी कैसे आएगी, सबसे पहले अब आपको जो आपकी ए है और आई है उसको भी आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको भी मेज़र करेंगे पहले और इसको यहाँ पर मार्क कर देंगे। इक्वल हमने पोर्शंस के अंदर उसको डिवाइड कर दिया है, इसका नाम देंगे हम
ये हमारा जे है और ये हमारा के है, क्लियर। तो यहाँ पर जे टू जे डैश और जे टू जे डैश, हमारा जे टू जे डैश और जे टू जे डबल डैश 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड है। सो ऑन ईच साइड है 1 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ मार्किंग लगा लेंगे। और सेम एज हमारा के टू के डैश और के टू के डबल डैश भी 1 सेंटीमीटर है ऑन आइदर साइड्स, तो यहाँ पर भी हम मार्किंग्स लगा लेंगे और अपने इन पॉइंट्स को नेम्स दे देंगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि के डैश एंड के डबल डैश, जे डैश एंड जे डबल डैश। उसके बाद अल्टीमेटली हमारी डेप्थ की बात आती है कि हमारी डार्ट की डेप्थ कितनी रहेगी। तो हमारी यहाँ पर कितनी इन्होंने दिखा रखी है, जो जे से एल है मीन्स हमारी फर्स्ट जो डार्ट रहेगी वो हमारी कितनी रहेगी 12 इंचेस, और हमारी दूसरी डार्ट रहेगी उसकी हमारी डेप्थ रहेगी 10 इंचेस। तो यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट डार्ट की जो डेप्थ देंगे वो हम बनाएंगे 12 इंचेस। और सेकेंड डार्ट की हम बनाएंगे यहाँ पर 10 इंचेस। इनको हमने यहाँ पर नेम देना है, दैट इज एल एंड एम, दैट इज आर एल एंड एम। सो आफ्टर दैट ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इस पॉइंट को हम ओ देंगे। दिस इज आर बैक, दिस इज आर फ्रंट। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि हमारी ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग के अंदर भी हम अपनी मेजरमेंट्स लिखते हैं, तो वो हम इस यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 राउंड हिप प्लस 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा किस चीज़ के लिए है, ये हमारी एक्सेस है। एक्सेस किस लिए है, ताकि हम ये हमारा 1/4 राउंड हिप रहेगा। हम जो डार्ट्स बना रहे हैं, जो भी अपना यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए हमारा ये रहेगा। तो ये आपकी क्या है, बेसिक ड्राफ्टिंग है। स्कर्ट ब्लॉक की, एम आई क्लियर टू एवरीवन? तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस और 1/4 स्केल पे थी, ये हमारी 1/2 स्केल की है। तो अल्टीमेटली आपका जो डेवलप होगा पैटर्न वो इस तरह से होगा। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डाल सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और पैटर्न के लिए भी चाहिए, उसकी ड्राफ्टिंग इस तरह से बनाई जाती है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। ओके, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।